पांच पांच गाड़ी का अप्रूवल आता है। हाँ। उसके बाद फिर मैंने टेंडर निकाले, इसका बिना लैपटॉप के कोई काम ही नहीं होता, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो मैं ये इनके डीएम से भी बात करी थी, मैं भी कलेक्टर द्वारा जो है इसकी पूरी छूट है। आइशर वाइशर के इतने बड़े ट्रक आते हैं ना, उनसे ज्यादा जगह है इसमें। हाँ, ये क्या क्या लगे हुए इसमें? बीटीएस है, हमें 10 किलो तोल दो, हमें 15 किलो तोल दो। नापतोल विभाग पहले उसे कैलिब्रेट करते हैं, उसकी अर्थिंग वार्निंग उसमें कनेक्ट रहती है, वो उसको जॉस कर लेता है। लाख सवा लाख रुपए आपका कहीं नहीं तो छत्तीस तो सरकारी आदमी रहता हूँ। अच्छा, ये खुलता है ओटीपी मोबाइल से ही खुलता है। अच्छा, लेकिन एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ चढ़ के। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भारत बेंज का फिर से टैंकर है अपने पास। इसके पहले मैंने बताया था इथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स होता है उसकी पूरी डिटेल थी, अभी इसमें प्योर पेट्रोल है, ये इथेनॉल नहीं है। पहले मैं आपको ट्रक बता देता हूँ, ट्रक की कुछ ऐसी ये प्रोफाइल है, और ये सबसे छोटा ट्रक है भारत बेंज का। 3900 cc का इसमें इंजन है, 167 hp की पावर और 520 Nm का इसका टॉर्क है, और ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल है, ये कंपनी का होता है, नीचे से ब्लू कलर का राजस्थान नंबर पर है। मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1617 MD ये इसका मॉडल नंबर है। भारत बेंज के ट्रक्स जो होते हैं बहुत लग्जरी आते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है और ज़्यादा अच्छा। 1617 की बैजिंग आपको यहाँ भी इसमें देखने को मिल जाएगी। अंदर सोहेल भाई बैठे हुए, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके भी मैं बताऊँगा आपको। पहले थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन बता दूँ, 4D34i इंजन आता है इसमें, डीजल इंजन, अब वो BS6 नॉर्म्स के साथ है ये, और ये इसमें 1, 2, 3, 6 टायर ट्रक है खाली है, और टॉर्क अच्छा है इसका, 520 Nm का जो टॉर्क है। ग्रॉस व्हीकल वेट जो है ना इसका 16,200 kg का इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है। और देखेंगे भाई आप यहाँ पे, तो ये भाई ने ग्रैबिंग के लिए बिल्कुल, ये SS की रेलिंग आती है घर में लगाते हैं वैसा लगा हुआ है, ये इसका फिल्टर है जो लगा हुआ है, ये देखेंगे आपका एड ब्लू टैंक है, और ये पूरा इसका टैंक ऐसा है, इसमें भारत पेट्रोलियम, और ये इसका डीजल टैंक है, 275 लीटर का डीजल टैंक आता है इसका, ये शायद इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, ये 4000 लीटर लिखा है, ये भी 4000 लीटर है, ये अलग अलग इसमें खाने बने हुए आते हैं, मैं आपको अंदर से चल के और दिखाऊंगा। ये भारत पेट्रोलियम एनर्जाइजिंग लाइफ लिखा हुआ है इसमें, फ्लेमेबल मोटर स्पीड ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे 4000 लीटर्स आता है। ये इसका नीचे स्पेयर व्हील रखा हुआ है, ये यहाँ से मैंने इसकी पूरी प्रोफाइल आपको दिखा दी, पीछे से प्रोफाइल देखेंगे तो खतरा दिखेगा आपको यहाँ पे, ये खतरा है यहाँ पे 20 फिट की दूरी बनाए रखें, ये बिल्कुल सेफ्टी के तौर पे इस पर लिखा हुआ है। यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ दे रखी, ऊपर चढ़ सकते हैं। वैसे मैं एक बार आपको चढ़ के दिखाऊं कुछ, पहले इसके पहले मैं चढ़ा नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ चढ़ के। ये जैसे चढ़ें, ये चढ़ें, ये चढ़ें, ये चढ़ें, तो कुछ ये ऊपर से ऐसा होता है, 1, 2, 3, 3 इसमें वो दे रखे हैं टैंक वगैरह जो भी है, और ये सब इसकी फिलिंग पॉइंट वगैरह। ये अपने ये ऊपर भाई को लाके डिटेल में तो बता नहीं सकता, ये लॉक दे रखा है ऊपर, ये पूछ लेता हूँ ये लॉक किस लिए सबसे पहले जाके, बाकी फिर दूसरी बातें करेंगे। ये मैं ध्यान से उतर जाऊँ नीचे, ठीक है भाई, ये बता दिया मैंने आपको, खतरा वतरा सब जो लिखा हुआ है इसमें। अब अंदर चलता हूँ, सोहेल भाई से बातचीत करूँगा, उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। यहाँ पर देखेंगे ये क्या लिखा हुआ भाई, ये क्या है? ये लॉकिंग है। लॉकिंग किस चीज़ की सोहेल भाई? ये जब माल भरते हैं तो ये लॉक करके हम जाते हैं यहाँ से। हाँ। और पूरा सेफ माल रहता है हमारा। अच्छा। और इसके जो भी सेफ्टी कंडीशंस हैं, हाँ, वो हम लोगों को पूरा, हम लोगों को इसको ध्यान में रखना पड़ता है। सोहेल भाई सबसे पहले मोस्ट वेलकम आपका, वेलकम और थैंक यू मतलब टाइम देने के लिए। मतलब ये पूरा सेफ्टी रहती है इसकी, सेफ्टी लॉकिंग है इसको, ये लॉक लगा हुआ अभी, इसमें अभी लॉक खुला हुआ है। हाँ, अभी हम रिफिल करने जाएंगे। कैसे देख सकता हूँ मैं इसे, कैसा क्या होता है? अच्छा, ये थोड़ा सा सीक्रेट रहता है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। ये इसका एयर प्रेशर टैंक है, इसमें ऊपर भी लॉक लगा हुआ था, वो किस चीज़ ऊपर भी लॉक खुला हुआ है, वो ताला वो किस चीज का? अच्छा, वो अंदर जो लगते हैं उस चीज का, जब माल भरते हैं। हाँ। तो कंपनी अपना EM लॉक लगाती है, ओटीपी वाले मतलब। हाँ। ओटीपी से ही खुलता है, ओटीपी मोबाइल से ही खुलता है। अच्छा, और वहाँ रिफिल करते हैं तो डीलर वहाँ पर अपने पंप पे खुलता है। अच्छा, ये सब भाई लोग भी वही है? ये सब वही लोग, ये सब पेट्रोल टैंकर वाले ही। ये देखिए आप, यहाँ तक पूरे लाइन से इधर उधर, ये पूरा पीछे तक सब जगह पेट्रोल टैंकर ही मिलेंगे। ये कंपनी के टैंकर ही होते हैं, पर्सनल नहीं चले जाते? टैंकर नहीं है, ये अपने ट्रांसपोर्ट में अटैच रहते हैं। हाँ। बाकी कंपनी का सिर्फ एक टैंकर रहता है जो उनका माल ढोता है, वो सरकारी आदमी रहता है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टर के टैंकर होते हैं जो अटैच कर देते हैं, ये ऑर्डर के ऊपर भी बुलाए जाते हैं। अच्छा, तो ये मतलब कोई सिंगल इंसान लेके भी अटैच कर सकता है क्या? हाँ, सिंगल इंसान भी अटैच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसकी उसको गाड़ी डालने की रुचि है या उसको डालना है। हाँ। या उसको गाड़ी लेके अटैच करना है तो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये टेंडर द्वारा होता है।
अच्छा तो इसमें ऐसा अगर मान लो सिंगल इंसान अगर अटैच करे तो क्या कमाई वगैरह हो जाती, कैसे क्या फंडा रहता है? तो किराया भाड़ा जो भी आएगा आपका उसके हिसाब से महीने पे आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। फिर भी एक अंदाजन आइडिया होगा आपको, जैसे अगर वो किलोमीटर के हिसाब से जो कंपनी जैसे 3600 रुपए किलोमीटर आपका है और आपकी गाड़ी चल गई 3000 किलोमीटर, हाँ तो 3600 रुपए आपका 1-1.25 लाख रुपए आपका कहीं नहीं। तो 3600 रुपए किलोमीटर में फिर टोल वोल वो सब भी तो अपने ही रहेगा? हाँ वो सब अपने ही रहता है, कंपनी देती है टोल तो। अच्छा कंपनी कंपनी दे देती है। अच्छा बाकी डीजल अपना रहता है, डीजल टायर पंचर ऑयल। अच्छा सब। भाई का नाम? ये शोएब खान। शोएब भाई, भाई अफसर भाई, रेहान, अयान भाई, ये सब साथ में खड़े हैं भाई लोग, सब सबके आसपास आप ही के टैंकर ये सब आप लोग चलाते हैं? हाँ मतलब वही, मतलब आप लोगों को क्या पेमेंट वगैरह मिल जाता है? हम लोगों को 8,000-10,000 सैलरी मिलती है और फिर बाकी वो रनिंग भी मिलता है, बाकी वो खाली कराई मिलती है हम लोगों को पंप जो खाली कर। अच्छा ये पुस्तक कैसे भराता है? ये अंदर रिफिलिंग करके गैंट्री में भराता है पाइप से। पाइप से? पाइप से। अच्छा पाइप से। वो खाली कैसे होता है? डायरेक्ट खाली अपने पाइप से होता है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं आप जो पाइप लगा के जो अंडरग्राउंड उसमें वो रहता है। हाँ तो इसमें क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है? आपको वायर बैठना एक्सटेंशन रहता है जो हमारी गाड़ी में अवेलेबल है जी, और अर्थिंग वाला आपको वायर रखना पड़ता है जो अपन जहाँ माल खाली। अर्थिंग वाला वायर? अर्थिंग वायर। वो क्यों? वो इसलिए रहता है जो अपने नीचे की जो बॉन्डिंग रहती है अर्थिंग बॉन्डिंग जी जमीन की, वो अपनी अर्थिंग बॉन्डिंग उसमें कनेक्ट रहती है, वो उसको जॉस कर लेता है। अच्छा हाँ मतलब वो पकड़ के रखता है, बाकी अपने हाथों से जो अर्थिंग निकलती है देखा होगा अपने प्लास्टिक की चीज पे बैठ रहा है तो एक लाइटर वाली अर्थिंग निकलती है। चट, उससे क्या है आपको सेफ्टी है, आप उधर कहीं किसी से हाथ लगाएंगे तो अर्थिंग नहीं निकलेगी। अच्छा तो वो अच्छी सेफ्टी पकड़ के रखता है। इसकी कोई ड्रेस वगैरह भी होती है क्या? हाँ उसकी यूनिफॉर्म होती है पूरी। अच्छा इसमें जैसे बाकी टैंकरों में मैंने देखा अलग अलग लीटर भरे हुए हैं यहाँ पे जी, जी, इसमें सब में 4,000-4,000 लिखा हुआ है। 4,000 सब कंपार्टमेंट है? नहीं कंपार्टमेंट नहीं, लेकिन सारे कंपार्टमेंट में मैंने ज्यादातर देखा किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2 ऐसे था। नहीं वो अलग अलग टंकी का रहता है। अच्छा किसी के 4,000 है, किसी के 3,000 है, किसी के 3,500 है, किसी के 5,000 ऐसा ऐसा जो टंकी जिस हिसाब से नापतोल विभाग पहले उसे कैलिब्रेट करते हैं उसके हिसाब से वो टंकी रहती है। अच्छा नहीं मैंने अभी एक भाई से पूछा था तो उन्होंने बोला था उनकी जो एक टंकी थी वो थी 15,000 की, दूसरी थी 10,000 की, फिर ये तीसरी थी 12,000 की, एक ही टैंकर में। तो बड़ा बड़ा टैंकर है ना। हाँ तो वो अलग अलग क्यों? अलग अलग रहता है वो, जब वो बोल रहे थे झलके नहीं मार्केट में नहीं जाते हैं। हाँ। हमें 10 किलो तोल दो। हाँ। हमें 15 किलो तोल दो। हाँ, हाँ, समझ गया। तो जिस हिसाब से जैसा माल आएगा उस हिसाब से टंकी। अच्छा तो मतलब ये अलग, इसके अंदर ये खाली ये जो स्टील का दिख रहा है ऐसे ही रहता है? ऐसे कैसे भर देते हैं? रबड़ वगैरह का लगा? नहीं नहीं कुछ रबड़ नहीं, सिर्फ लोहे का रहता है। सिर्फ लोहे का लगा रहता है, इसमें अंदर कुछ नहीं रहता। अच्छा पूरा लोहे का। एक बार अंदर से मैं आपका ट्रक देख सकता हूँ कैसे? हाँ मतलब कैसा दिखता है अंदर से? ये यहाँ से इसको पुल करके ये पूरा उड़ जाता होगा है ना, और ये इसका कूलेंट वगैरह डलने का सिस्टम होगा है ना। ये पूरा ये टैंकर के लिए ही बना होगा ये? अच्छा ये टैंकर के लिए बना है। मैं यहाँ से इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। भारत बेंज का ट्रक है। हाँ इसमें वो ऑटोमेटिक वाला वो नहीं है, ये हाथ से ही मैनुअली करना पड़ेगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर इसमें यहाँ रखे हुए हैं। इजी है चढ़ना थोड़ा सा? हाँ हाँ छोटा है। ये कितना पासिंग आता है आपको कोई आइडिया है? कितना पासिंग आता है साल में पासिंग? हाँ मेरे ख्याल से जैसे 16,200 तो पूरा इसका वेट है इसका। हाँ वेट है इसमें मेरे ख्याल से 12 टन पासिंग होगा। ये 10-12 टन के आसपास है ना? 10-12 टन माल है? 9.5 टन माल इसमें आ जाता होगा है ना? ओवरलोड का कोई चांस ही नहीं है। ये देखिए ये छोटा सा ट्रक है भारत बंद, काफी पुराना हो चुका है वैसे ये ट्रक है ना जी, जैसे डैशबोर्ड वगैरह की कंडीशन। हाँ। ये क्या क्या लगे हुए इसमें? जीपीएस है आपका, लोकेशन बताता है। अच्छा लोकेशन जीपीएस के लिए? हाँ। लोकेशन के लिए लगा रखा है। कैमरा वगैरह नहीं है इसमें? बैक कैमरा यहाँ पीछे लगे। इसमें छोटा ट्रक होने के बाद भी जो आयशर वायशर के इतने बड़े ट्रक आते हैं ना उनसे ज्यादा जगह है इसमें? हाँ ज्यादा जगह पीछे। हाँ जैसे आप देखेंगे कि ये जो 10-12 टन आयशर के ट्रक आते हैं उनमें इतनी जगह नहीं होती। इसमें जगह नहीं थी, उसमें बहुत ही हल्का केबिन भी बहुत हल्का है। केबिन हल्का इसके तो हैवी केबिन। हाँ यहाँ पे भी देखिए भाई ये जो पोर्शन निकला हुआ अच्छा लग रहा है। और ये चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे कि पीछे भी आराम से जगह है, तो दो लोग तो कम्फर्टेबली सो सकते हैं इसमें आराम से। दो लोग बेहतरीन कम्फर्टेबल सो सकते हैं। और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 न्यूट्रल मिला के 8 गियर आते हैं। फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसका ऐसा है, और अंदर से मैं दिखा दूँ ये थोड़ा सा टूट चुका है तो ये इसमें ऐसा कुछ लगा। स्टोरेज यहाँ मिल जाता है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी, कवर करके बता दी। सोहेल भाई एक बात बताइए, जैसे आप अंदर आ जाइए ना। अच्छा मेरा मोबाइल उठा, आपका मोबाइल उठा दूँ मैं, ये लीजिए। आपको RTO तो नहीं रोकते होंगे ना? कुछ नहीं है, कोई नहीं रोकता। हाँ क्योंकि कंपनी का ट्रक, इसमें तो कोई हेडेक ही नहीं है। इसमें कोई हेडेक ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेशन पूरा भी जा सकता है।
क्योंकि ये तो पब्लिक सेवा है, इमरजेंसी की चीज है जी जी। इसमें तो कभी भी कहीं भी कलेक्टर द्वारा जो है इसकी पूरी छूट है, कलेक्टर द्वारा पूरी छूट है। हाँ, इसको कहीं भी जा सकता है, गांव घरों में, सिटी में, गली कूचों में। आप कहाँ से कहाँ चलाते हैं इसको? ये छिंदवाड़ा, बैतूल, यहाँ से आप पेट्रोल लेके जाते हैं? हाँ, यहाँ से लेके जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं एमपी में। तो कोई आपको छिड़का नहीं करता? कोई नहीं। ये कितना माइलेज दे देता है सेलवे ट्रक? ये दे देता है लॉन्ग रोड पे 7 का। अरे हाँ, और सिटी में 5.5-6 देता है। एसी वैसे तो नहीं आता ना? नहीं नहीं, एसी आता है लेकिन अपन ने निकाल दिया। एसी आता था इसमें? लगाया सर, एसी का पूरा सिस्टम लगा। अच्छा, ये आगे लगूंगा। अरे तो ये फिर निकाल के दिया आपने? नहीं, उसमें गर्मी में परेशानी आती होगी ना फिर आपको? कोई दिक्कत नहीं, एवरेज की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, 6-7 का माइलेज इसमें बेहतरीन। इसका मेंटेनेंस भी आप ही देखते हैं क्या? सब काम वाम कराना। हाँ। तो इसकी सर्विस कितने किलोमीटर पर कराते हैं? मैं 1-1.5 लाख पे कराता हूँ। 1-1.5 लाख किलोमीटर पे? हाँ, और काफी लंबा टाइम हो जाता है। हाँ। तो क्या खर्चा आता होगा अंदर एक सर्विस में? इसमें एक साथ में ज्यादातर क्लच का आता है, आयल, डीजल फिल्टर और आपका जैसे छोटा मोटा काम होता है। क्या खर्चा आ जाता है इसमें? 10 से लेकर 15,000। बहुत सही है यार, एक तो 1-1.5 लाख में सर्विस हो रही है, 1-1.5 किलोमीटर को 10-15,000 में पूरी सर्विस हो जाती है। उस हिसाब से सस्ता पड़ता होगा इसके। लेकिन मैंने सुना पार्ट्स महंगे आते हैं भारत के। पार्ट्स महंगे है ना? पार्ट्स महंगे हैं इसके, वो पार्ट्स अवेलेबल भी नहीं है कंपनी में। मुझे कंपनी से यही शिकायत है कि इतनी सारी गाड़ियाँ लेनी है लोगों ने, तो कम से कम कुछ तो सामान इसका अवेलेबल रखें। क्योंकि इनका क्या है, गुजरात से आता है कुछ सामान, कुछ सामान बॉम्बे से आता है, दिल्ली में तो है नहीं कुछ भी, दिल्ली से भी आता है सॉरी जी जी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं ये इनके डीएम से भी बात करी थी मैंने जी, साहब जाओ तो ये नहीं है वो नहीं है, उसके लिए फिर इंतज़ार करो। हाँ, ये है पड़ी। तो सर्विस आप कंपनी में कराते हैं इसकी? हाँ, कम बाहर नहीं कराते? बाहर कुछ नहीं होता इसका, बिना लैपटॉप के कोई काम ही नहीं होता। तो बाहर कराएंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा? हाँ, बाहर कराएंगे तो फिर वो ज़्यादा पैसे लगते हैं, लैपटॉप वाला आएगा तो फिर वो नहीं बताते जो कंपनी का आदमी बताता है। ये कंपनी का जो मजा हुआ आदमी है जो जी जी सही आदमी। टायर इसके साल भर में चले जाते होंगे? हाँ सर। क्या खर्चा आता होगा टायर? टायर तो कम से कम 2 साल में होते हैं। 2 साल चलते हैं इसके टायर? हाँ, क्योंकि वेट नहीं है ज़्यादा, ज़्यादा वेट नहीं रहता, ओवरलोड वगैरह का फंडा नहीं रहता। इसके जो टैंक अलग से बनाओगे कितने का बनाओगे भाई? ये बनाया ना 3.5 लाख रुपये का। 3.5 लाख वो बड़ी गाड़ियों का टैंक महंगा बनता है, 15-20 लाख वाला है। अच्छा, इसका टैंक 3.5 लाख का पूरा कंप्लीट बन जाता है। और जैसा कि आपने हमें जानकारी दी थी कि सिंगल इंसान भी इसको चाहे तो लेके चला सकता है। आप कितने टाइम से सोलवाई ड्राइवर फील्ड में? कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल? क्या बात कर रहे हैं। तो भाई 30 साल में आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप भी ट्रक व्रक ले लें? नहीं, आ जाता हूँ आपके पास। गाड़ियाँ डाली थी लेकिन क्या है, गाड़ियाँ भली नहीं। गाड़ी ली थी आपने? हाँ, मेरा गाड़ी। कौन सी गाड़ी ली थी आपने? टाटा ली थी, टाटा की। ये बॉडी गाड़ी? ये टैंकर ही लिया। टैंकर लिया था आपने? अरे तो फिर 3-4 गाड़ियाँ चलाई तो सक्सेस क्यों? यार वो टेंडर में, टेंडर से निकल गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने टेंडर में डाली। तो फिर आपने फिर उनको बेच दिया? वो मैंने बेच दिया, फिर मैं चलाता हूँ भाई। अच्छा, फिर आपको मतलब उसमें लॉस हो गया होगा काफ़ी? लॉस हो गया था दरअसल, मैंने बेच दिया और फिर नहीं ली मैंने गाड़ी। फिर अभी सोच रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ मैंने सोचा नहीं है कि लूँ कि नहीं लूँ। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे ये टैंकर आज के टाइम में कोई नया इंसान अगर ये टैंकर जैसी गाड़ी लेके अटैच करना चाहे तो कर सकता है या करना चाहिए उसे? बिल्कुल कर सकता है। टेंडर से कैसे मिलेगा उसे? टेंडर कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्ट वालों को हाँ 5-5 गाड़ी का अप्रूवल आता है। हाँ, अप्रूवल आता है तो फिर वो कहते हैं कोई जैसे संबंधी होते हैं या मेरे जान पहचान वाले जी कि मुझे गाड़ी लगाए भाई, जगह है तो लगा दो जी, जगह आती है तो अपन टेंडर में लगा दो। अच्छा, ऐसे लगा सकते हैं। चलिए सोहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सोहेल भाई ने हमको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, जितनी मिल पाए मैंने आपको पूरी बता दी। यहाँ बहुत से ट्रक खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, सबका जाने का टाइम भी हो रहा है, पूरे लगे हुए हैं। तो भाई का भी मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।